कुमार के ससुराल को मिली हाई कोर्ट से राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इस याचिका में राजेश खन्ना के कथित लिव इन पार्टनर अनिता अडवाणी खत्म करने का अनुरोध किया गया है। अनिता अडवाणी ने 2013 में डिंपल कपाड़िया, बेटियों ट्विंकल खन्ना और इनकी तथा दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। अनिता का दावा है कि राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद उन्हें आशीर्वाद बंगले से निकाल दिया गया था। अनिता याचिका में मासिक गुजारा भत्ते तथा बांद्रा के 3 बेडरूम वाला फ्लैट मांगा था। मजिस्ट्रेट ने उस समय उन्हें नोटिस जारी करने का जवाब मांगा था, जिसके बाद अपने दामाद व बेटियों सहित डिंपल कपाड़िया ने कार्यवाही खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शिशिर गुप्ता और महेश जेठमलानी ने दलील दी कि अनिता घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत नहीं मांग सकती, क्योंकि डिंपल और उनका परिवार राजेश खन्ना अनिता के साथ नहीं रहा था। न्यायमूर्ति ML तहालियानी ने दलीलों सुनने के बाद कहा गुरुवार को आदेश पारित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PM9 न्यूज, मुंबई।